हाय गाइस, माय नेम इज गौतम सनौने। मैं आज आपको गाड़ी के रूटीन चेकअप के बारे में थोड़े नॉलेज देने वाला हूँ, जो इम्पोर्टेंस है। जब हम गाड़ी ड्राइव करते हैं उसके पहले हमें डेली गाड़ी ड्राइव करने के पहले आपको एक रूटीन चेक करना है। उससे क्या होता है कि हम किधर ब्रेक डाउन नहीं हो सकते हैं, इंजन को हार्म नहीं होगा, कोई गाड़ी कहाँ बंद नहीं गिरेगी, तो इसीलिए हमको ये सब रूटीन चेक क्या करना है, चेक करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सबसे पहले हमारा जो लुब्रिकेशन सिस्टम है, इंजन का लुब्रिकेशन सिस्टम है, हमारे इंजन में ऑयल है क्या नहीं, वो चेक करने के लिए हमारे पास इंजन में क्या रहती है, डिपस्टिक रहती है। इसे बोला जाता है डिपस्टिक। ये है डिपस्टिक, ये इंजन के ऑयल की लेवल की मात्रा हमें बताती है। ये डिपस्टिक को हम क्या करेंगे, इसे बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद में इसे अच्छे से क्या करेंगे, साफ करेंगे। अच्छे से साफ करने के बाद में आपको इसके ऊपर दो लेवल दिखने को मिलेंगे। एक जो लेवल है ये आपका मिनिमम लेवल है, एक जो लेवल है ये मिनिमम लेवल है, लाइन जो नीचे वाली दिख रही, दूसरी जो लेवल है वो मैक्सिमम लेवल है। इसका मतलब क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम लेवल के दोनों के बीच में हमारा ऑयल का लेवल रहना मांगता है, करेक्ट। अगर आपका ऑयल इससे अगर नीचे जाता है तो समझने का इंजन ऑयल हमारा कम है, और मतलब मिनिमम मैक्सिमम के लेवल में ऑयल रहना होता है। तो ये अब मैंने क्या किया, डिपस्टिक निकाल के अच्छी तरह साफ किया। ये डस्ट पार्टिकल अंदर जाना नहीं मांगता है। फिर वापस मैंने ये डिपस्टिक वापस यही होल से हम क्या किया, इंसर्ट कर रहे हैं। इसके अंदर इंसर्ट करने के बाद में पूरी तरह इंसर्ट करके प्रेस करने का, प्रेस करने के बाद में फिर ये ऐसा बाहर निकाल के इसकी लेवल ऐसे ही वर्टिकल पोजिशन में पकड़ के क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो अभी हमारा जो इंजन ऑयल का लेवल है, मिनिमम के ऊपर की तरफ है, जैसे आपको दिख रहा है। और ये ऑयल जो है, ऑयल को ऐसा उंगली पे लेके इसको थोड़ा सा इसका जो ऐसा तार बनना मांगता है, और इसका अगर बास आता रहेगा तो समझ जाने का ये ऑयल क्या हुआ है, जल गया है। तो इसी तरह देखेंगे कि मिनिमम लेवल के ऊपर तुम्हारा ऑयल लेवल है, इसका मतलब ऑयल लेवल इज करेक्ट। देन वापस इसे क्या करने का, अंदर पुश कर देने का। सेकंड जो तुम्हारा इंजन का कूलेंट लेवल, तो इंजन को कूलिंग सिस्टम के लिए कूलेंट दिया जाता है, जो हम उसे जो हम रेडिएटर में पानी वगैरह भरते हैं उसके अंदर कूलेंट डालते हैं। तो ये जो तुम्हारा कूलेंट लेवल का रिजर्वायर टैंक है, इसे रिजर्वायर टैंक बोला जाता है। ये जो है तुम्हारा रेडिएटर है, ये रेडिएटर के अंदर इसका लेवल चेक करने का, वन मिनट मैं आपको ये करता हूँ। ये इस तरह मैंने रेडिएटर का कैप खोला, ये कैप खोलने के बाद में आपको दिख रहा है कूलेंट की मात्रा है, कूलेंट की लेवल तक है बराबर। ये ग्रीन कलर का है, इसके अंदर वाटर मिक्स कूलेंट रहता है, करेक्ट। तो ये लेवल टॉप तक है। वापस इसे हम क्या करेंगे, फिल कर देंगे, इस सील कर दिया वापस। वैसे ही ये जो उसका इसी के साथ में जो रिजर्वायर टैंक है, इसे रिजर्वायर टैंक बोलते हैं। इस रिजर्वायर टैंक के अंदर एक फुल लेवल है, एक लो लेवल है। मतलब हम जब गाड़ी चलाने के लिए स्टार्ट करते हैं उसके पहले हमें इसका जो लेवल है ये लो की तरफ नहीं रहना मांगता है, फुल तक रहना मांगता है। फुल के थोड़े ऊपर रहेगा तो चलेगा, इससे ज्यादा ऊपर भी रहेगा तो भी प्रॉब्लम है, इससे कम रहेगा तो भी प्रॉब्लम है। तो इसीलिए कभी भी अगर इसका लेवल अगर कम हो जाता है तो यहां से ये ओपन कर देगा, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा जो वाटर है पीने का पानी, जो नल का पानी, इसके अंदर भरेंगे, ये फुल के लेवल तक लेके आएंगे, फुल से ज्यादा ऊपर लेके नहीं आने का। थर्ड वन जो है ये तुम्हारा ब्रेक ऑयल का रिजर्वायर है। ये ब्रेक ऑयल का लेवल में इसके अंदर एक मिनिमम लेवल है और एक मैक्सिमम लेवल है। ये आपको दिख रहा है मिनिमम लेवल और ये मैक्सिमम लेवल। तो ये भी ऑयल मिनिमम लेवल के नीचे जाना नहीं मांगता है। मिनिमम लेवल के नीचे जाएगा तो तुम्हारा ब्रेक फेल होने का क्या रहता है, चांसेस रहता है। तो ऑलवेज एवरी डे यू हैव टू चेक द योर ब्रेक ऑयल लेवल इज करेक्ट, और मिनिमम के थोड़ा सा क्या रहना होता है, ऊपर रहना होता है। अगर इसका लेवल कम है तो जो मैन्युफैक्चरर ने रिकमेंड किया है वही सेम ऑयल इसके अंदर यहां से फिल करना है। सेम ग्रेड का ऑयल, सेम मैन्युफैक्चर का ऑयल या सेम कलर का ऑयल ही इसके अंदर क्या करना है, ऐड करना है। डिफरेंस मैन्युफैक्चर या डिफरेंस कलर का ऑयल कभी भी ऐड नहीं करना है। थर्ड वाला तुम्हारा ये वाइपर मोटर के लिए जो हम स्प्रे करते हैं, हमारा जो विंड स्क्रीन जो खराब होता है तो विंड स्क्रीन पर डस्ट पार्टिकल आने की वजह से विंड स्क्रीन खराब हो जाता है, तो हम उसको वाइप करते हैं। वाइप करने के टाइम पे हम थोड़ा सा उस वाइपर मोटर के नॉब को, हम लीवर को ऊपर पुश करते हैं, तो इस रिजर्वायर टैंक के इस पंप के थ्रू
ये पानी क्या होता है पंप के थ्रू यहाँ से बाहर निकलता है, विंड ग्लीज विंड ग्लास के ऊपर क्या आता है, ये पानी इसके ऊपर आता है, ये पानी इसके ऊपर आने के बाद में ये वाइपर क्या करने का, चालू करने का, तो विंडस्क्रीन क्या होता है, तुम्हारा ग्लास क्या होता है, क्लीन होता है। इस वाइपर मोटर के रिजर्वायर के अंदर कभी भी एक शैम्पू का पाउच और वाटर क्या करने का, मिक्स करके डालने का। इसके ऊपर भी एक मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल रहता है, इसका भी लेवल कभी भी मैक्सिमम लेवल तक रख के ऑलवेज रखने का, यहाँ से खोलने का, यहाँ से आप तुम उसके अंदर पानी क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो, समझ में आया। अगर ये और ये इसका पंप है, अगर इसको आपने ड्राई में चलाया, तो ये पंप जलने का क्या रहता है, चांसेस रहता है। तो कभी भी इसको एम्प्टी नहीं रखना, इसको एम्प्टी रखेंगे तो हम पानी के लिए ऑन करेंगे लेकिन इसको वाटर नहीं मिलेगा, तो ये गर्म होके क्या होता है, जलने का, डैमेज होने का क्या रहता है, चांसेस रहता है। तो ऑलवेज आप लोग इसका भी वाइपर मोटर का रिजर्वायर टैंक में भी मतलब उसको फुल रखना बहुत जरूरी है। वैसे ही जैसे हम टायर को हम देखेंगे, ये टायर दिख रहा है, इसका इन्फ्लेशन बराबर है कि नहीं, अच्छे से करेंगे। अगर कोई टायर दबा रहेगा तो ऐसा चारों टायर के ऊपर क्या मारेंगे, राउंड मारेंगे, इसका भी इन्फ्लेशन करेक्ट है। उसके बाद में जो ये तुम्हारा पीछे का भी, ये भी इसका भी इन्फ्लेशन करेक्ट है। उसके बाद में इसका भी इन्फ्लेशन क्या है, करेक्ट है। इट मीन्स तुम्हारा व्हीकल, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।